यूं ही। तुम सबको बता क्यों नहीं देते कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जिसे? प्लीज अपनी लिमिट में रहें। मैंने सोचा है कि हम हामिद के लिए किम का हाथ मांग ले। क्यों ना हम नवीद भाई से किम का रिश्ता मांग ले अपनी दानियाल के लिए। यस। तुम किससे शादी करना चाहती हो? देवे। अबे क्या हुआ, आज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आया भाई? यूनिवर्सिटी छोड़, तेरा भाई सीधा अमेरिका जाएगा। मान गई वो अमेरिकन कजन? घर वाले मान गए, वो भी मान जाएगी। रिश्ता भेजा अमेरिकी कजन को। अच्छा, और वो दूसरी कजन का क्या हुआ? दूसरी कजन, उसने बहुत तंग किया भाई यार। ये देख, फिर से कॉल कर रही है। हाँ हुस्ना बोलो। तुम्हारा और किम का रिश्ता तय हो रहा है? ओ, तुम्हें खबर मिल गई? हाँ बताओ तुम। खबर तो सच है। और सुनो, हामिद भाई की यहाँ कोई दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि मैं किम को चाहता हूँ और किम मुझे। हार में जाओ तुम। और ये बात याद रखना, हामिद भाई का तो पता नहीं कि दाल गले या ना गले, तुम्हें भी घास नहीं डालेगी वो। और जब रिजेक्ट होके वापस मेरे पास आओगे ना, तो उठा के बाहर फेंक दूंगी। और मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या बोल रही थी? भाई को तो बता दे। ये देसी कजनों को कोसने और ताने देने के अलावा कुछ नहीं आता। अबे छोड़ यार, चल बता दो आज यूनिवर्सिटी में क्या हुआ। आजा। लेकिन दाऊद के बारे में तो हमारी बात नहीं हुई थी। ताई जी, मुझे दाऊद पसंद है। और कनीज फातिमा को? किम भी तैयार है दाऊ से शादी करने के लिए। ये तो तूने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया। क्यों ताया जी, दाऊद आपकी बात नहीं मानेगा? क्यों नहीं मानेगा, होता है मेरा। तो फिर ये कि मुझे रिश्ता मंजूर है, लेकिन मेरे शर्त है। क्या शर्त आया जी? अस्सलाम वालेकुम दाया जी। वालेकुम सलाम। क्या बात है दादा जी, तबीयत तो ठीक है आपकी? ठीक है। नहीं, थोड़े मुख्तलिफ से लग रहे हैं। मैं बीपी चेक करूं आपका? नहीं नहीं, नहीं नहीं। लेकिन जो बात अब मैं तुमसे करने जा रहा हूं, उसे सुनकर अपना बीपी कंट्रोल में रखना। ऐसी क्या बात है? मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है कनीज फातिमा के साथ। क्या? Yeah.
दाऊद की शादी कनीस फातिमा से हो जाएगी, लेकिन तुम्हें इकबाल से निकाह करना होगा। ताहे जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं इस उम्र में? उम्र में क्या रखा है, लोग करते हैं हर उम्र में शादी, और शादी के लिए कोई उम्र मुतय्यन तो नहीं है। हाँ, अच्छा रिश्ता अच्छे नसीब से मिलता है। दाऊद बेहतरीन लड़का है और इकबाल भी। मैंने इनकार किया तो भाई जी तो किम के रिश्ते से इनकार कर देंगे। फिर अगर हम वापस गए और किम फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ, नहीं ये नहीं हो सकता। किस्मत ने मौका दिया कि मैं किम को बचाने के लिए, किम ने तो खुद दाऊद के लिए कहा है। क्या पता ये रिश्ता मेरी बच्ची की सोच बदलते हैं, इसको मजहब की तरफ वापस ले आए। दाऊद किम को बदल भी दे, लेकिन मैं बाल बाल से शादी, ओह गॉड, क्या होता है, कहां फंसा दिया। हेलो माता। यस आई कैन हियर यू। यस आई कम बैक टू यू ऑन द डेट्स। यस थैंक यू बाय बाय। क्या है सर? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। क्या? मुझसे शादी करना चाहती हूं? मुझसे, एक टेररिस्ट से? हाँ। वजह जान सकता हूं? मुझमें ऐसी क्या खूबी नजर आई है तुम्हें? कोई वजह नहीं है और ना ही तुम्हें कोई खूबी है। तो फिर मेरा नाम क्यों लिया? बहुत मसला है तो दादाजी को जाके मना कर दो। तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर भुगतो। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तुम क्यों ऐसे शख्स से शादी करना चाहती हो जो तुम्हें नापसंद करता है? वैसे मुझे भी तुम नापसंद। तो फिर
मैं देखना चाहती हूँ कि किसी नापसंदीदा शख्स को जिंदगी में शामिल करके जिंदगी कैसे गुजारी जाती है। तुम पागल, बिल्कुल पागल। पहले मुझे लगता था कि तुम बदतमीज, बदखलाक, मरवारा, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि तुम पागल हो। थैंक यू इतनी तारीफ के लिए। अब दादाजी को जाके मना कर दो, क्योंकि जब मैं एक बार ठान लेती हूँ तो उसे बदलती नहीं। और जॉर्ज, इसका क्या हुआ? आई हैव चेंज्ड माय माइंड। चीट नहीं कर रहा मैं, इकबाल के रिश्ते की बात करके अपनी ही नजरों में छोटा पड़ गया हूं मैं। ताया जी। हाँ आओ। मैंने आपकी बातों के बारे में बड़ा सोचा, आपकी शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी दरख्वास्त है। कहो। मैं चाहता हूं कि किम और दाऊद की शादी पहले हो जाए, फिर मैं इकबाल और अपनी शादी की बात करूंगा। मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि किम और दाऊद की शादी मेरी और इकबाल की शादी के बदले में हो रही है। इसमें इकबाल की इज्जत भी है। ठीक है रुदू, मैं भी इकबाल के रिश्ते की बात करके खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था, लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह एक बेटी का बाप हूं और जिम्मेदारियों के बोझ से मेरे बूढ़े कंधे झुके जा रहे हैं। ताई जी, आप इकबाल की बिल्कुल फिक्र ना करें। आपने दाऊद से कुछ बात की? दाऊद से तुम बेफिक्र रहो, मुझे अस्पताल से बहुत फोन आ रहे हैं। मैं चाहता था कि मेरे जाने से पहले किम और दाऊद का निकाह हो जाए। जब मैं वापस आऊंगा तो फिर मेरा और इकबाल का निकाह हो। इस बार फिर धोखा तो नहीं दोगे? जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप। अपनी जिंदगी की जमा पूंजी छोड़ के जा रहा हूं मैं आपके यहां। कुछ तो यकीन करें मेरा। लहजे से जब एतमाद चल के यकीन आ ही जाता है। ठीक है, रजिया और बिशारत से बात करके शादी की तारीख मुकर्रर कर देते हैं। ठीक, जाओ जाके आराम करो। जीता बच्चों,
मैंने आप सब से एक अहम बात करनी है, एक अहम ऐलान करना है। कैसा ऐलान बाबूजी? मैंने दाऊद का रिश्ता तय कर दिया है। क्या कर दिया अब्बा जी? दाऊद का रिश्ता, इंशाल्लाह इस जुमे को दाऊद का निकाह होगा कनीज फातिमा के साथ। हाँ? तुमने सुना दादाजी ने क्या कहा? तुम्हारा और दाऊद भाई का रिश्ता? हाँ सुना। तो इस बात से तुम्हें कोई परेशानी नहीं? नहीं, लेकिन तुम्हारी परेशानी की वजह समझ नहीं आ रही। किम, दाऊद भाई बहुत मुख्तलिफ है, सख्त मिजाज, गुस्से वाले। तुम्हारी उनकी नहीं बनेगी, वो तुम्हें घर में कैद कर देंगे तो। और वो तुम्हें पसंद भी नहीं करते। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तुमसे प्यार करता हूं। तुम नवीद अंकल को मना कर दो। तुम एक बात बताओ, अम्मी अबू भी यही चाहते हैं कि हमारी शादी हो? तुम बस इनकार कर दो, सारा मसला ही हल हो जाएगा। तुम मुझे लाइक करते हो, तुम्हें अचानक से मोहब्बत भी होगी मुझसे। ओह, सो क्यूट। पर मैं डेविड से शादी के लिए फिर भी इनकार नहीं करूंगी। यू नो व्हाई? बिकॉज आई प्रपोज्ड। ओए हीरो, मिल गया जवाब, हो गई तसल्ली। चुप, पास मत करो। अब्बा जी, आपने ठीक नहीं किया, मेरा दाऊदी रह गया था उस बदतमीज किम के लिए। मैंने उसे अपनी बहू नहीं बनाना। बदतमीज दानियाल के लिए तो तुम्हें कबूल थी, तब भी तुम्हारी बहू ही बनती है बदतमीज लड़की। खैर, मैंने फैसला कर लिया। बाबूजी आप एक दफा मुझे बता देते तो। तुम्हारा रिश्ता नहीं तय कर रहा था मैं, पूछा तो मैंने तुमसे भी नहीं था जब तुम्हारी शादी की थी। लेकिन उससे मैंने पूछ लिया है जिसका रिश्ता हो रहा है, दाऊद को कोई एतराज नहीं है। हाय, मेरा हीरे जैसा बेटा रोल दिया बजी आपने। अब्बा जी, दानियाल लाउबाली सा खलंडरा सा लड़का है, किम के मिजाज को समझता है। और इसी वजह से मैं नहीं चाहता था कि दानियाल और कनीज फातिमा की शादी हो। तुम लोगों के इसरार पर मैंने नवीद से बात की थी। नवीद चाहता है कि दाऊद उसका दामाद बने, और मैं भी यही चाहता हूं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ये जुल्म है मेरे बच्चे पर, कोई जबरदस्ती है भला नवीद भाई की? अब्बा जी, बरसों से मेरी बहन इस आस में बैठी है कि दाऊद और नाइमा की शादी होगी,
और अब बरसों से तो फिरदौस भी इस इंतजार में थी कि दानियाल और हुस्ना की शादी हो, तब तुमने ये नहीं सोचा? वो तो मैंने इसलिए कि उन्होंने मेरी सुरैया का ख्याल नहीं किया। अब देखें, हामिद के लिए मेरी सुरैया का हाथ मांग सकते थे ना, मगर नहीं, ये रिश्ता नहीं होगा अब्बा जी। अब्बा जी भी कहती हो और फैसले से इनकार भी करती हो। शक्ल देखें दानी के बच्चे की, जिसको बीवी बनाने का दिल था वो भाभी बन रही है। फूफो समझा लें इसको, नहीं तो मार खाएगी मुझसे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा अब्बा जी को क्या सोचिए। राहुल को तो बिल्कुल पसंद नहीं है वो, भाभी को भी अच्छी नहीं लगती। पता नहीं इतना बड़ा फैसला उन्होंने कर कैसे लिया। सबको मसला क्या है किम से? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है और मैं बहुत खुश हूँ कि दाऊद भाई की उससे शादी हो रही है। ये मिजाज में थोड़ी नरमी आएगी जब देखो गुस्से में भरे पड़े रहते। वैसे फूफो कितना मजा आएगा ना, हमारे घर की पहली शादी है, बहुत हल्ला गुल्ला करेंगे। दाऊद मानेगा तो कुछ होगा ना? कोई नहीं, अब शादी में उनकी नहीं चलेगी, हम बहुत मजा करेंगे। क्यों नानी, भंगड़ा डालोगे ना? भाई की शादी है। अरे कहाँ जा रहे हो? जानुम। आग तो तुम्हारे अंदर लगी है, जानुम जाके क्या करोगे? चारा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर अब भाभी और बशारत भाई गए हैं बाबा जी से बात करने, हो सकता है वो अपना फैसला तब्दील कर लें। क्यों करेंगे फैसला तब्दील? मैं तो बिल्कुल दादाजी के साथ हूँ इस दफा। अरे मुझे किम से पूछना चाहिए ना कि उसे कैसे कपड़े चाहिए, कुछ तो सोचा होगा उसने शादी के बारे में, जरा पूछ कर आती। अरे भाई रुको, भाभी को तो आने दो। अच्छा चलें दें फिर। ओ अब्बा जी, दाऊद और किम का कोई जोड़ नहीं है ना? बस रजिया खामोश। बाबूजी ने जो फैसला किया है बिल्कुल ठीक किया है। इंशाल्लाह जुमे के रोज ये शादी होगी, जा जाकर शादी की तैयारी करो। जी बाबूजी जैसा हुक्म। चलो बेटा, आई एम श्योर तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल होगा, बट आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ यू। आजकल के जमाने में तुमने अपने बड़ों का मान रखा और ये बात मान ली, बहुत खुशी हुई मुझे। किम बहुत अच्छी लड़की है। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो मेरी बेटी है, वो वाकई एक बहुत अच्छी लड़की है। शी इज काइंड, शी इज जेनरस, शी इज स्मार्ट, इंटेलिजेंट। अगर तुम उसकी खूबियों को देखोगे तो तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, और मैं समझता हूं तुम दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। बहुत खामोश हो। वो दरअसल मैं सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एक दूसरे को मिलोगे, थोड़ा सा जानोगे तो ये सब कुछ आसान हो जाएगा। अच्छा, मैं चाह रहा था कि शाम को तुम दोनों को थोड़ी सी शॉपिंग करा दूं। ताया जी ने डेट इतनी जल्दी रख ली है जुम्मे को कि किसी भी चीज का टाइम ही नहीं मिलेगा। वो मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरा आज जाना थोड़ा जरूरी है, तो ये सारी बातें आप नींबू से कर लें प्लीज। कैरी ऑन, शॉपिंग तो बाद में भी हो सकती है, इट्स नॉट अ बिग डील। जाओ जाओ।
मूड ऑफ है। अगर ज्यादा इश्यू है तो दादा को जाके मना कर दो। क्यों कर रही हो सब? शादी का एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ, सोचा तुमसे ही कर लूं। और इस एक्सपेरिमेंट के लिए तुम्हें मैं ही मिला हूं? हाँ, मैंने जब पहली बार स्विमिंग सीखी थी तो मुझे ट्रेनर पहले दिन ही गहरे पानी में ले गया था और कहा था जितना ज्यादा खतरा उतनी ज्यादा हिम्मत। That's why I chose you. सही, अब मैं नहीं तुम भुगतोगी। ये तो वक्त ही बताएगा मिस्टर डेविड। सारी जिंदगी अब्बा जी की खिदमत की, बाप समझा, कभी किसी बात से इनकार नहीं किया और आज अब्बा जी ने मेरी बात सुनना भी गवारा नहीं किया, मेरे ही बेटे की शादी की बात पक्की कर दी और मैं मुंह देखती रह गई। क्या जवाब दूंगी मैं नसीम पापा को? नाइमा के दिल पर क्या गुजरेगी? रहने दें भाभी, आपको तो पता है इस घर में हमेशा मर्दों की चली है। दाऊद बेचारा भी कुछ नहीं कर सका, फिर आपकी और मेरी क्या मजाल? जब मैं को शादी रख दी, ये नवीद भाई भी ना हमारे खानदान को अजियत देने के लिए आते। पहले उनकी वजह से खुर्शीद इस दुनिया से चली गई और अब मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए आ गए। ओ अम्मी, क्यों बर्बाद होगी दाऊद भाई की जिंदगी, बल्कि उल्टा उनकी जिंदगी तो बन जाएगी। खाक जिंदगी बनेगी उस बदतमीज लड़की से शादी करके। देखिए, एक तो वो खूबसूरत है, दूसरा पढ़ी लिखी है, तीसरा बहुत अमीर है और चौथा वो अमेरिकन सिटीजन है। और क्या चाहिए भाई? दाऊद भाई ना डॉक्टर हैं, वो सोचे अमेरिका जाके कितना कमाएंगे, लाखों में कमाएंगे। मेरे बच्चे को ना रुपए पैसे का कोई लालच नहीं है, ना ही उसे अमेरिका जाने का शौक है। चलें मान लेते हैं उनको अमेरिका जाने का शौक नहीं है और उनमें लालच भी नहीं है, लेकिन आप खुद बताएं, नाइमा और किम का कोई जोड़ है? इतनी प्यारी है किम। हाँ तो नाइमा कितनी नेक शरीफ है। किम भी नेक शरीफ ही है, बाकी जो कसर रह गई है वो दाऊद भाई पूरा कर देंगे। मैं इस लड़की को कभी अपनी बहू नहीं मनाऊंगी, मुझसे नहीं होगा ये। देख ले, दाऊद भाई तो मान गए, आप भी मान जाएं, बस करें अब रोना धोना। हाँ भाभी, अब बस कर दे। मैं नसीमा अब्बा को क्या जवाब दूंगी, कैसे कहूंगी कि मैं नाइमा को अपनी बहू नहीं बना सकती? अब्बा जी से कहें वो समझा देंगे नसीमा खाला को। बस करें ना रोना धोना, मुंह की सारी तैयारियां हमें करनी है। और मैं बता दूं, मैं ढोलक मेहंदी कपड़े सब कुछ करूंगी, पहले ही बता रही हूं, लेकिन मेरे इम्तिहान भी तो हैं, कैसे होगा सब कुछ? हाँ भाभी, कैसे होगा सब कुछ, इतना सारा काम है। नहीं, मुझे नहीं पता, अपने भाईजान से पूछो कैसे होगा। क्या हुआ? मैं बहुत खुश हूं, ये सब कुछ जो हो रहा है ना बहुत अच्छा है। चलो
कोई तो खुश हुआ, वरना यहाँ पे कोई भी खुश नहीं है। अच्छा छोड़ो बाकी सबको, तो कभी खुश नहीं होते, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इतनी प्यारी मॉडर्न अमेरिकन भाभी मिल रही है। हाँ और बेचारा डेविड, वो तो सदमे में चला गया। मैंने तो उसे कहा था कि दादा से जाके इनकार कर दो, और उसमें इतनी हिम्मत कहाँ। नहीं नहीं, दादा जान के सामने कोई नहीं बोल सकता। दाऊ भाई तो छोड़े, अब्बा जी नहीं बोल सकते। लेकिन तुम्हें क्या मसला है, दाऊ भाई इतने अच्छे तो हैं, इतना ख्याल रखते हैं, ऊपर से नेक हैं। ऑनेस्टली मुझे तुम्हारे भाई में ऐसी कोई खूबी नजर नहीं आती। तो शादी क्यों कर रही हो उनसे? ली बेट, तुम नहीं समझोगे। अच्छा टेल मी वन थिंग, ये जो तुम्हारी कजन है जिसकी शादी रजिया डेविड से करवाना चाहती थी, डेविड और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं? नाइमा बाजी, नहीं नहीं, वो तो अम्मी और खाला का फैसला था। दाऊद भाई नहीं, वो नहीं पसंद करते नाइमा बाजी को, बल्कि पता नहीं कब से मिले भी नहीं है। वो तो बस अम्मी के फैसले की वजह से खामोश हो जाते। बेचारा तुम्हारा भाई। ये सब चीजें छोड़ो ना, ये बताओ कि तुम क्या पहनोगी, लहंगा गरारा पिशवास? मुझे तो इन सब चीजों का नहीं पता। हाँ तुम्हें क्यों पता होगा, चलो मेरे साथ बाजार चलना, हम लोग देखेंगे। ओके भाभी। या व्हाटएवर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपा, बहुत ज्यादा। अब्बा जी ने मेरी एक नहीं सुनी। हर दाऊद का तो आपको पता ही है कितना फरमा बरदार बेटा है, दादा के हुक्म के आगे सर झुका दिया। अच्छा अच्छा बस कर दो, मुझे नहीं सुननी तुम्हारे ससुराल की हाकमियत और तुम्हारे दाऊद की फरमाबरदारी। अरे मैंने तुम्हारे वादे और तसल्ली पे कितने अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए नाइमा के। क्या आला खानदान के पढ़े लिखे रिश्ते आए थे मेरी बेटी के, और तुम मुझे इनकार कर रही हो। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हारे ससुर की और दाऊद की राल टपक गई थी वो अमेरिकन लड़की देखकर? ऐसा नहीं आपा, आपको तो पता है हमारे घर के सारे फैसले अब्बा जी लेते हैं। बस उन्होंने फैसला सुना दिया और जुमे को निकाह की तारीख भी रख दी। हाँ तो जाओ ना, सजाओ अपने बेटे के सर पे सेहरा। मुझे क्यों फोन किया तुमने? लेकिन सुनो रजिया, एक बात मेरी याद रखना, ये शादी नहीं चलेगी। अरे किसी मासूम बच्चे के अरमानों का खून करके तुम्हें क्या लगता है दाऊद खुश रह सकेगा? हरगिज नहीं। ऐसा ना कहें आपा, मेरा और मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है। हाँ तो कसूर तो सारा हमारा है ना, तुम्हें अपना जो समझा मैंने। आपा मैं जानती हूँ आपका बहुत दिल दुखा होगा। आपकी तमसी तो मेरा मेका है। जुमे को आपने जरूर आना है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे शादी तो क्या, मैं जिंदगी में तुम्हारे घर भी कदम नहीं रखूंगी। सुन लिया तुमने, बंद करो ये फोन। अरे आपा मेरी बात तो सुने। एक ही बहन थी मेरी, उससे भी ताल्लुक खत्म हो गया, सब इस लड़की की वजह से। नवीद ने क्योंकि जल्दी वापस जाना है, इसलिए मैंने शादी की तारीख भी जल्दी मुकरर कर दी है। रजिया तुम इकबाल को साथ ले जाकर जेवर और लिबास का बंदोबस्त करो दुल्हन के लिए, बल्कि कल ही बाजार चली जाओ। जी दादा जान, बिल्कुल ठीक है। ताई जी मेरी भी एक गुजारिश है, अगर हाँ हाँ कहो। कि मेरी इकलौती बेटी है और अब तो दाऊद भी मेरा ही बेटा है, और मेरे भी कुछ अरमान है, बाप हूँ आखिर मैं। आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो खुल के बात करो।
ताजी, शादी का सारा खर्चा मैं उठाना चाहता हूँ। बारात, जेवर, अब जो कुछ भी है, खाना पीना, आफ्टरऑल मेरा जो कुछ भी उन बच्चों का ही तो है, मेरा और है कौन। मैं चाहता हूँ कि शादी बहुत धूमधाम से हो। नवीद, हम इतने भी गए गुजरे नहीं के अपने बेटे की शादी पे खर्चा ना कर सके। बशारत भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? किम मेरी बेटी है, मेरी इकलौती बेटी है। मुझे बताया कि आप लोग भी सब कुछ कर सकते हैं और मुझसे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन मेरे भी तो बशारत, नाराज होने की बात नहीं है। बेटी का बाप है, उसकी मर्जी है, उसकी ख्वाहिश है कि जिस तरह चाहे, जिस कदर चाहे धूमधाम से शादी करे। मुझे और तुम्हें एतराज करने का कोई हक नहीं है। ठीक है नवीद, तुम जो चाहते हो करो। हमारे भी घर की पहली शादी है तो जरा अच्छी होनी चाहिए, धूमधाम से होनी चाहिए। डैड, इस सब की क्या जरूरत है? धूमधाम मतलब, और आप जानते हैं कि मैं तुम्हें ताई जी ने कितनी दफा कहा है, जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बात नहीं करते। सुनिए बेटा, कल हम चलेंगे, तुम तैयार हो जाना। भाभी, आप भी तैयार रहिएगा, मुझे कपड़ों और जेवर का इतना पता नहीं है। जी, जब बड़ों ने तय कर ही लिया तो मैं क्या कह सकती हूँ। मुझे कुछ कहना है।